अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों कपड़े धो रही हो? सारा से कहती ना वो धो देती। वो आपा आज से जॉब पर जा रही है ना वो। ओह, मैं तो कपड़े लेकर आई थी, सोचा था सारा धो देगी। अब दो दो मशीनें तो नहीं ना लग सकती, दो चार तो जोड़े होते हैं मेरे। नहीं ना आपा, मैं धो दूंगी। सारा को ऑफिस जाने की इजाजत तुमने दी है क्या? जी आपा। क्यों, ऐसी क्या जरूरतें थी जो पूरी नहीं हो सकती थी? उसका रिश्ता देखो, उसकी शादी करो, बंद करो ये ऑफिस ऑफिस। शादी तो करनी है आपा, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए बस। अरे रिश्ता भी आ ही जाएगा। कह दिया मैंने दो चार जगह पे, पर पहले सारा को तो लगाम डालो। अगर शहर में लूट लूट फिरेगी तो कौन लगाएगा उसे? भूल गई क्या? हो चुका है, लोग नहीं भूले। और उस वक्त तो बाप जिंदा था, अब तो बाप भी सर पर नहीं है। मेरी मानो अमीदा, तुम्हारी बेटी के पैर खुल गए हैं, उसके पैरों में जंजीर डालो वरना कोई चांद चढ़ा के आएगी। पप्पू, आपको बड़ी फिक्र है मेरी? मत करें इतनी फिक्र मेरी, मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है, और जिस किस्म की बात आप मेरे बारे में कर रही हैं ना, आयदा मत करेगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपका रिश्ता क्या है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन आप शायद नहीं जानते। मत भूलिए मैं भी दुरैया की तरह आप ही की बेटी। सारा, पप्पू से किस तरह बात कर रही हो तुम? अरे बस बस, तुम तो रहने ही दो हमीदा, ये सब तुम्हारा ही सिखाया पड़ा है, तुम ही ने जुर्रत दी है कि इस तरह मेरे मुंह लग रही है। और आइंदा दुरैया का नाम भी अपनी जबान पर मत लाना, तुम्हारा क्या मुकाबला है उससे?